दोस्तों टीवी की मशहूर शो कौन बनेगा करोड़पति को दूसरी करोड़पति मिल गई है। ये दूसरी करोड़पति भी महिला ही है। जी हाँ, इस बार मोहिता शर्मा जो आईपीएस अधिकारी है नई करोड़पति बनी है। आपको बता दें कि वो जैकपॉट जीतकर 7 करोड़ रुपए भी जीत सकती थी, लेकिन उन्होंने आखिरी सवाल का जवाब नहीं दिया और गेम को खत्म कर दिया। जी हाँ, शो के होस्ट अमिताभ बच्चन ने भी मोहिता के धैर्य और विवेक की खूब तारीफ की। बता दें कि मोहिता एक आईपीएस अधिकारी है। मोहिता शर्मा से किया गया दूसरा सवाल ट्रिकी था और उन्हें एक्सपर्ट की मदद लेनी पड़ी और आईपीएस मोहिता शर्मा ने इस सवाल का सही जवाब दिया। आपको बता दें कि मोहिता शर्मा इस साल केबीसी में दूसरी ऐसी कंटेस्टेंट बनी जो 1 करोड़ की इनामी राशि तक पहुँची। इसके बाद उन्हें अपने जीवन के सबसे कठिन सवाल का सामना करना पड़ा, जिसकी नामी राशि तो 7 करोड़ थी, लेकिन हारने पर 1 करोड़ भी नहीं मिलते। जी हाँ, मोहिता के लिए 7 करोड़ का सवाल ये था। बम्बई में वाडिया समूह ने इनमें से किस जहाज को 1817 में लॉन्च किया गया था, जो मौजूदा समय में भी युद्धक पोत के तौर पर ब्रिटिश रॉयल नेवी में तैनात है। इस सवाल के ऑप्शन थे ऑप्शन ए HMS इंडेन, ऑप्शन बी HMS कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी HMS त्रिंकोमाली और ऑप्शन डी HMS मिनी। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी यानी HMS त्रिंकोमाली था, मगर दुविधा की वजह से मोहिता ने 1 करोड़ रुपए पर ही ट्वीट करना मुनासिब समझा और जीत गई 1 करोड़ रुपए। वैसे आपको बता दें कि मोहिता ने ऑप्शन बी पर गेस किया था, जो कि गलत जवाब था। ऐसे में हम तो यही कहेंगे कि मोहिता ने बिल्कुल सही फैसला किया। वैसे दोस्तों केबीसी 12 की दूसरी करोड़पति कंटेस्टेंट मोहिता शर्मा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, अपने जवाब कमेंट करके जरूर बताएं।